ठीक है, हमने एक ये बना लिया। इसके बाद है मेरे पास ईमेल आईडी, एंटर योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। और यहाँ है मेरे पास, अच्छा यहाँ हमने ये नहीं बनाना, मैसेज के लिए और टेक्स्ट एरिया बनाना है। टेक्स्ट एरिया मेरे पास बन गया, इसका नेम है मेरे पास मैसेज, रॉज है इसके मेरे पास 7, 7 बहुत ज़्यादा है, 4 रख लो, सही है। और इसका प्रीव्यू आप जो है वो यहाँ देख सकते हो, ये बन रहा है। अच्छा, इसमें बूट स्ट्रैप नहीं लगी हुई है, इसलिए ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। इसमें बूट स्ट्रैप वगैरह हम अभी लगा लेते हैं, या तो पूरा टेम्पलेट ही ले लो HTML का जैसा होता है ऊपर, ठीक है। वो उठाना है तो वो उठा लो, देखिए अभी मैं फिलहाल इधर जो है वो ब्रेक का टैग लगा देंगे, देखिए बाद में CSS डिजाइनिंग बाद में करते हैं, ठीक है। ये लो, ठीक है, इस तरह से स्टाइल पे जाने के बाद इसका रीसाइज वन करना है, सही है। रॉस इतनी है हमारे पास, कॉलम्स हमारे पास 21 है, ठीक है। तो कॉलम जो भी आपके पास होगा वो उस हिसाब से आ जाता है। वेट कर रहे हैं, वेट है इसकी 30%, यानी पेज का जो भी 30% है वो इसकी मैंने यहाँ पे वेट रख लेनी है, ठीक है। वो यहाँ तक आ गई है, बाकी सबकी भी अगर आपने रखनी है तो बाकी सबकी भी आप रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने लगा देना है सबमिट का बटन, सबमिट नेम हमने इसका दे दिया बीटीएन, में टाइप है इसकी सबमिट, ठीक है, लाइक दैट। बूटस्ट्रैप का जो लगाओगे वहाँ आप ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लगाओगे उसी हिसाब से, ठीक है। इसकी वेथ वेथ सब बड़ी कर लेना पूरी, यहाँ पे स्टाइल लगा लो और सब में यही लगा लो, ऊपर CSS लगा लो, जो लगाना लगा लो, यहाँ पे आ जाएगा आपको, मैं रिसाइज हट जाएगा, रिजल्ट आ गया, सही है। अब हम रिफ्रेश करके आप यहाँ देख सकते हो कि भाई इसकी ये सारी चीज़ें हमारे पास इस तरीके से आ गई। काइंडली ये वाला पेज बनाओ, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ इस पेज को डिस्प्ले कैसे कराना है, ठीक है। क्विकली यहाँ contact.html में ये पेज बनेगा, सही है। और बाकी व्यूज़ में हमें इसको किस तरीके से चलाना है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। post.url में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंट है कि कॉन्टैक्ट में जाके कॉन्टैक्ट का मेथड चलाना है। मेथड हमारे पास कौन सा है, यही वाला मेथड है, ठीक है। हाँ, समझ में आई, अब इसको करो और मैं बताती हूँ, ठीक है। और बूटस्ट्रैप जिसको लगाना है वो पूरा डॉक टाइप करके HTML करके पूरा, ठीक है, 5 मिनट में आ रही हूँ, करो।
अब मुझे इसको उठा के फिर इसी में रखना है। मैंने पोल्स के अंदर एक टेम्पलेट का फोल्डर बनाया है, क्योंकि डायरेक्टली जब भी मैं करूँगी ना तो वो हिट नहीं करेगा, वो बेसिकली मुझे एरर देगा कि उसे टेम्पलेट का फोल्डर नहीं मिल रहा। बात समझ में आ रही है? तो हमें टेम्पलेट का फोल्डर चाहिए, क्योंकि बिना इसके हम इसके अंदर इसको प्लेस नहीं कर सकते। हमने जो लिया है अब वो सेटिंग के अंदर हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ना वो खुद इसने सेट कर दिया है, ठीक है, कि बैक एंड के ऊपर अब उसे टेम्पलेट का ये मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर जो है वो अपना वो रखनी है, मतलब फाइल रखनी है टेम्पलेट बनाने के लिए। भाई दो तीन तरीके होते हैं, एक ये होता है कि किसी पे इम्प्लीमेंट करना है तो मैं उस पर रख सकती हूँ कि भाई base.html है, मतलब ये कि मेरा खुद का टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट फिर मेरे हर एक के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे होता है ना कि एक में हेडर एंड फुटर हमने बना के रख लिया टेम्पलेट, फिर वो टेम्पलेट फिर हम अप्लाई कर देते हैं, हेडर की फाइल अलग होती है PHP के अंदर, फुटर की अलग होती है, और उसको इंक्लूड करा देते हैं। इसी तरीके से हमने इसके अंदर भी एक base.html या अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी नाम रख सकते हैं और उसको इंक्लूड करा सकते हैं। अब ये जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है ना इसको मैंने यहाँ से कट करा और इसी टेम्पलेट के अंदर ले जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये इसके अंदर आ गया और बेस मेरे पास ये आ गया। बेस के ऊपर अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस पर मैंने काम करना है, और कॉन्टैक्ट के ऊपर भी मैंने काम अभी किया हुआ है, इसमें मैं फिर एडिट करूँगी। तो पहले हम यहाँ तक बना लो और इसके अंदर जाओ, फिर मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। तो अभी base.html के अंदर हमने लेट सपोज मैं एक कोड पेस्ट कर रही हूँ कि मेरे पास हेडर है, URL होम होगा, वो मेरे पास होम है, स्लैश लगाया है, ULB बना सकते हो, अबाउट का हो गया मेरे पास, अलग अलग लाइन पे मैं लिख देती हूँ। इसके बाद फिर अगेन मैंने ये साइन लगाया, ठीक है। और अब मेरे पास अबाउट की जगह है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट सही है। ब्लॉक कंटेंट और एंड ऑफ कंटेंट हमारे पास ये है कि भाई अगर हमारा ब्लॉक कंटेंट क्या है या एंड ऑफ कंटेंट क्या है, हेडर सबके ऊपर यही आएगा जो सेम होगा, सही है ना। मतलब मैं जिसके ऊपर भी ये टेम्पलेट अप्लाई करूँगी ये base.html का, ये सबके ऊपर ना ये नेविगेशन बार आपको दे रहा होगा, ठीक है। वरना इसको आप UL करके बना लो तो अलग अलग लिस्ट आ रही होगी, अभी तो अभी सीधा सीधा सीक्वेंस से आ रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आई? अगर मैं इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो प्रीव्यू में ही ऐसे आ रहा हूँ होम अबाउट और कॉन्टैक्ट, वरना जो तुम नेविगेशन बार डिज़ाइन करोगे ना वो वैसे डिज़ाइन हो जाएगा। बात समझ में आई? इतना समझ में आया? कॉन्टैक्ट का जैसे हमने बनाया, तो कॉन्टैक्ट का जो हमारा पेज है इसके ऊपर मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने कहा भाई ये होता है एक्सटेंड करो base.html, यानी इसको शामिल कर लो, और मेरा ये जो भी कोड या मेरा जो भी डिज़ाइन है ना वो ब्लॉक ऑफ कंटेंट के और एंड ऑफ कंटेंट के बीच में आए। बात समझ में आई? अब ब्राउजर पे चला के दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब मैं इसको चलाऊंगी तो ये मुझे दिखाई देगा, ठीक है। HTML आ गया, ब्लॉक कंटेंट, फिर तो मैंने ये काम कर दिया। अब मैं post.url खोलूंगी यहाँ पे, अब इसकी जगह पे, ठीक है। अगर मैंने कहा कि भाई अबाउट है मेरे पास, ठीक है, तो अबाउट पेज व्यू जो भी मेरा व्यू है एज व्यू, ये भी हम बनाएंगे, ठीक है, और इसका जो नाम होगा वो अबाउट होगा, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट का होगा मेरे पास, तो मैं यहाँ पे सेम इसी तरीके से यहाँ कर दूंगी कॉन्टैक्ट,
और इसका नाम मैंने रखा है कॉन्टैक्ट पेज व्यू एज व्यू, और नेम में मैंने यहाँ पे क्या रखा है इसका, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास मेथड बनेगा वो ये नहीं बनेगा, अब वो चेंज है, सही है, मेथड हमारे पास ये नहीं बनेगा, अब ये चेंज होगा, सही है। पोल्स में मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई अगर इंडेक्स है तो ये वाला चलाना है, अबाउट का है तो ये है, और एज व्यू करके आपको उसको डिफाइन करना है। अब मेरे पास यहाँ पे तो ये काम हो गया है मेरा व्यू डॉट गेटअप, इसकी जगह पे मैंने क्लास बनानी होगी, अबाउट का हो गया, और जो मैंने वहाँ नाम रखा है, अगर अबाउट का है, वैसे फिलहाल मेरे पास अबाउट है नहीं, मैंने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर देख ली, सब पे सब लग जाता है, सबके करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट पेज हो गया, टेम्पलेट व्यू हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास हो गया। अब हमें जो है वो अपना टर्मिनल पे जाके चलाना है। अच्छा, मैं भी फिलहाल इसमें से ये अबाउट वाला पोर्शन हटा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। पोल पे ये वाला पेज आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे। अच्छा, ये कह रहा है डस नॉट एग्जिट, टेम्पलेट का कुछ दे रहा है, लोडर पे मसला है, डिजिंगो लोडर लाइन नंबर 47, लोडर डॉट पी वाई, लिखना पड़ेगा पाथ, सही। लेस देन 1 मिनट है, डिस्कनेक्ट हो जाओ, फिर वापस कनेक्ट हो, फिर मैं आगे इसके बताती हूँ।